दाल जी, दाल 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 जी, दाल दाल चावल में डाल दूँ? आ रहा हूँ, यहाँ पे मछलियाँ भी है, इसके अंदर मछलियाँ भी है। और वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइज, इस समय मैं हूँ कश्मीर में और फिलहाल 3-4-5 दिनों से मैं फंसा हुआ हूँ और कुछ इस टाइप का ये रोड है। और इस समय मैं हूँ बनिहाल में। मैं यहाँ पे ट्रेन तलाश करने आया था कि ट्रेन जा रही है या नहीं जा रही जम्मू की साइड, लेकिन वो कह रहे हैं पटरी नहीं बिछी है, लाइन ही नहीं बिछी है, तो ट्रेन कहाँ से जाएगी। काम चल रहा है और फिलहाल देख सकते हो पूरी सड़क सुनसान है, पूरी सड़क खाली है। और वो देखो वहाँ पे चारों तरफ जाम लगा रखा है, देखो बस खड़ी है और वहाँ पे तार बिछे हुए हैं, सब कुछ, मतलब जा नहीं सकती उधर कोई गाड़ी। आसपास के लोग जा सकते हैं लेकिन बाहर के लोग नहीं जा सकते। आगे क्या है, एक पुल टूट गया है, मतलब रास्ता टूट गया है, जो फिर यात्रियों के भी नहीं जाने दे रहे। मैं अमरनाथ से आ रहा हूँ फिलहाल, और फिलहाल 3 दिन से फंसा हुआ हूँ और एक कैंप में रुका हुआ हूँ यहाँ से लगभग 2.5-3 किलोमीटर पीछे। और ठीक है, 2.5 गाड़ी आ रही पीछे, 2.5-3 किलोमीटर पीछे रुका हुआ हूँ और 3 दिन से हो गए मुझे वहाँ पे। मैंने सोचा आज निकल जाता हूँ लेकिन निकल ही नहीं पा रहा, आगे मुझे रोक लिया फिर अपने देश के जवानों ने कि बेटा आप आगे नहीं जा सकते। सॉरी सॉरी, मैं ध्यान रखूंगा जी। आप यहीं से हैं? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। कश्मीर से ही है भैया, तो थैंक यू। तो भैया कश्मीर से ही थे। और कश्मीर गाइस सच में यार बहुत ज़्यादा सुंदर है, आप देख सकते हो, देखो पहाड़ के ऊपर बादल। और फिलहाल मैं 3-4 किलोमीटर पीछे जा रहा हूँ बैक, और ये देखो ये है बनिहाल का रेलवे स्टेशन। यहाँ से मतलब पटरी बिछ रही है, यहाँ से श्रीनगर आप जा सकते हो, श्रीनगर तक के लिए गाड़ी है लेकिन वापस नहीं जा सकते। और फिलहाल वापस जा रहा हूँ मैं, और लगभग 3 किलोमीटर पीछे आगे आ गया था मैं, तो दोबारा देखते हैं कोई लिफ्ट मिल जाएगी तो। और देख रहे हो पूरी सड़क सुनसान है, कोई भी गाड़ी नहीं है आसपास, कोई भी कोई नहीं। सर थैंक यू। पुलिस वाले थे वो, पुलिस वाले। तो गाइस फिलहाल थंबनेल के लिए एक फ़ोटो ले लूँगा, मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँगा, लोकेशन फ़िलहाल अच्छा है। भैया एक फ़ोटो ले दोगे मेरी इस कैमरे से प्लीज़? मैं ना इधर खड़ा हूँ, आप इधर आ जाइए, एक इधर आ जाइए, एक जना इधर आ जाइए, आप भी आना चाहिए फ़ोटो में। जा खड़ा हुआ जा। तो गाइस फिलहाल भैया भी फोटो में आ रहे, आइए बोट को पकड़िए। आप सब बिहार से? अच्छा, यहाँ काम करने आए क्या? फिलहाल तो मैं भी फंसा पड़ा हूँ, आगे पुल टूटा है ना, तो दोबारा वापस जा रहा हूँ 3 किलोमीटर जहाँ पे अमरनाथ का बेस कैंप है। बस लिफ्ट में इंतजार कर रहा हूँ। गाइस बाइक आ रही है, बाइक आ रही है, भैया से मांगते हैं। भैया 2-3 किलोमीटर चल दो, 2-3 किलोमीटर। ये क्या हो रहा है गाइस कश्मीर में मेरे साथ? यहाँ पे हिंदी किसी को नहीं आती, उर्दू आती है, उर्दू मतलब हिंदी बोलते हैं, हिंदी पढ़ नहीं पाते हैं। और जितनी देर मैं खड़ा हूँ उतने की देर में तो गाइस मैं पैदल पहुँचाऊँगा, मात्र 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर पैदल चलना है, लगभग आधा घंटे तक मुझे पैदल चलना है। और कुछ इस टाइप का प्यारा सा सुंदर सा रास्ता है और खाली एकदम सड़क है, और एक आधी गाड़ी आ रही है वो भी बिठा नहीं रही है, तो पैदल पैदल चलते हैं। फिलहाल एक टनल आया है और टनल पे लिखा हुआ है वेलकम श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023। राधे राधे, कैसे हो नंदी महाराज, कैसे हो? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Falling in love for the first time, all over again. Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. बड़ी करेंगे हमारी ड्यूटी। अच्छा आपकी ड्यूटी भी इधर ही है? अरे वाह सर, तो सर की ड्यूटी भी यहीं पे है जहाँ पे मैं रुका हूँ। थैंक यू सो मच सर, लिफ्ट के लिए शुक्रिया। व्यवस्था गाइस, अमरनाथ की यात्रा चल रही है ना, तो व्यवस्था बहुत ज्यादा है। और फिलहाल अमरनाथ की यात्रा करके ही तो आ रहा हूँ, लेकिन 4 दिन से फंसा हुआ गाइस, क्या करूँ, दोबारा आ गया यहीं पे, घूम फिर के मैं दोबारा आया। 2 घंटे लग गए, 2 घंटे इधर उधर आने जाने में। फिलहाल चेकिंग करवा लिए और अंदर घुस चुका हूँ, और ये देखो यहाँ पे पूरी व्यवस्था है रहने की। देखो आप ध्यान से देख सकते हैं चारों तरफ कम से कम 25 जगह यहाँ पे लंगर लगे हुए गाइस, और लंगर गाइस ऐसा लग रहा है जैसे शादी में आ रखा हूँ, कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ आज भंडारा फरीदाबाद गाइस। 3-4 दिन से मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं अंकल जी है, और अंकल जी ने मुझे रुकवाया है, तो 3-4 दिन से मैं यहीं पे रुका हुआ, तो थैंक यू सो मच अंकल, शुक्रिया आपका। ये रखा है मेरा बैग, और रात को हम सब यहीं पे सोते हैं, 2-3 दिन से तो यहीं पे सो रहे हैं। और अभी फिलहाल थोड़े दिन में यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी तो पानी भर गया था, तो ये सारा मिलके एकदम अच्छे से कर दिया है, और यहीं पे सोते हैं रात को गाइस।
और देख सर आप, अभी मैं आपको यहाँ पे लंगर दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे लंगर बन रहा है और फिलहाल यहाँ पे नाश्ता चल ही रहा है सुबह से, देख सकते हैं। ये है यहाँ पे क्या भैया, अचार है, अचार है, अचार है, अचार पराठे, अचार पराठे। फिलहाल मेरा लाइफस्टाइल यही रहता है, यहाँ पे रुकना, दो तीन दिन तो हो गए, और यहाँ पे खाना पीना रहना सोना, और यही दो तीन दिन से कार्यक्रम चल रहा है। और लाइफस्टाइल मेरा बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है जब तक मैं आपको कोई जगह ना दिखाऊं। और फिलहाल यहाँ पे देखो रोटी बन रही है, ये यात्रा आ रही है ना शायद पीछे से, अभी आ रही है ना यात्रा, इसलिए यहाँ पे तैयारी हो रही है जोरों शोरों से, क्योंकि पीछे से यात्रा आ रही है। और कम से कम भी 200-400 कितने लोग आएंगे, 5000 लोग पीछे से आ रहे हैं। अरे अच्छा, जो तो दो तीन दिन से फंसी हुई है, अरे अरे क्या बात है, मतलब 5000 लोगों का खाना अकेला टेंट तो नहीं कर सकता। अच्छा मतलब सारे लंगर में आज खाना लगेगा। ओके ओके, ऐसे हो चलता है गाइस। 5000 लोग आ रहे हैं, 5000। और देख सकते हो अभी मैं दूर से पंडाल में आ चुका हूँ। यहाँ पे देखो कचौड़ी की सेवा चल रही है, और फिलहाल मुझे सब लोग जानते हैं क्योंकि 4-5 दिन से मैं यहीं कहीं खा रहा हूँ, कभी इस टेंट में, कभी उस टेंट में, कभी उस टेंट में, कभी उस टेंट में, तो ऐसे चल रहा है बस। तो यहाँ पे देख सकते हो कचौड़ी की सेवा चल रही है। आप पूरे दिन में दाल पराठा भी, आप पूरे दिन में कितनी बार खाना चेंज करते हैं? अभी तो 3-4 दिन से यात्रा बंद है, हर चार दिन चेंज करते हैं। पतीला खाली हुआ दूसरा लग जाए। अच्छा 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 अच्छा, वाओ मतलब बहुत, ये यहीं पे बन रहा है? अच्छा बाहर से नहीं आ रहा? अच्छा हलवाई वगैरह सब आ रखे एकदम, अरे वाह। गाइस देख सकते हो यहाँ पे अभी बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, लेकिन यात्रा की गाड़ियाँ आ रही है और अब देखो कितनी ज्यादा यहाँ पे भीड़ हो जाती है। ये देखो गाइस कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, फिलहाल देख सकते हो आप पूरे 5000 लोगों की पब्लिक है। कम से कम ये पता नहीं 100-200 तो बसें ये लग रही है। देखो 1, 2, 3, 4, 5 है, वो ऊपर पीछे तक लाइन है बसों की। With a broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you know that we had something special till you end up all this way. Thank you so much. फिलहाल मैं भी लड्डू खाने आया हूँ। जी हलवा 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 हलवा, ये 2 मिनट में रोटी आ रही है जी। फिलहाल गाइस यहाँ पे सेवा चल रही है बहुत जोरों शोरों से, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है आज, अच्छा लग रहा है जी आपके आशीर्वाद से। जी दाल 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 जी दाल 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 नीचे दाल दाल दाल। क्या हो रहा है गाइस, क्या हो रहा है? आराम से जी, आराम से आराम से। आप कितने दिन से फंसे पड़े हो पीछे? 3 दिन हो गए आपको? अच्छा अच्छा अच्छा, दर्शन बढ़िया हो गए? अरे वाह, हर हर महादेव। पीछे से बताइए। तो गाइस मैगी के दीवाने, देख सकते हैं आप कितने ज्यादा यहाँ पे, दाल मेरे से कोई ले नहीं रहा है। अरे नहीं आप मैगी, अरे कोई नहीं, आप मैगी लीजिए, आप मैगी लीजिए। देखो गाइस सब लोग अभी लाइन लगे हुए हैं सिर्फ मैगी के लिए, वहाँ से लेके यहाँ तक मैगी की लाइन है। फिलहाल मैं भी मैगी खाने जा रहा हूँ गाइस। एक तरफ पूरा रोड खाली है और दूसरी तरफ जाम, देखो गाइस कितनी ज्यादा, देखो चारों तरफ बस ही बस 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 बस। फिलहाल मैं लेने आया हूँ साबुन, मुझे कपड़े धोने हैं। पीछे इस साइड नदी है, नदी में जाके नहाएंगे धोएंगे कपड़े धोएंगे। भैया 10 वाले साबुन देना बस गाइस, एक जोड़ी कपड़े धोने हैं, बाकी कल धो लिए थे मैंने। और ऐसे तरीके से कुछ इस तरीके से धोते हैं हम लोग यहाँ पे कपड़े नदी में। नमस्कार, फिलहाल मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है, पीछे से बर्फ पिघल के आ रही है और मुझे शर्म आ रही है, बहुत ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और नदी में नहा रहा हूँ, यहाँ पे मछलियाँ भी है, इसके अंदर मछलियाँ भी है। और बहुत ज़्यादा सच्ची आओ गाइस, मज़ा बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, नदी में नहाने का मज़ा ही कुछ और है। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही था, फिलहाल मैं यहाँ पे धूप सेकूँगा, कपड़े सूखने का वेट कर रहा हूँ, और नदी प्यारी सी बह रही है, फिर उसके बाद मैं कैंप में वापस लौट जाऊँगा। और बस फिलहाल 95 नंबर का ये मेरा व्लॉग है, 7000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट होने वाले हैं, सिर्फ 80-90 सब्सक्राइबर रह रहे होंगे, वो भी हो जाएंगे 10-15 दिन के अंदर। और फिर बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। 1.5 साल मुझे वीडियो बनाते हुए हो चुके हैं गाइज, और अभी तक पहली पेमेंट नहीं आई है, चैनल मोनेटाइज ज़रूर हो गया गाइज, लेकिन क्या करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलना, जिस नाम से यूट्यूब आईडी उसी नाम से इंस्टा आईडी उसी नाम से फेसबुक पेज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना, और चैनल अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइस।
Bye, 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 bye. We're doing alright. When we are apart, we always